इससे पहले हमने तो बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन और इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल निकाले थे। ठीक है, देखो कैसे होती हैं वो इक्वेशंस, जो इक्वेशन में निकली थी पहले क्वेश्चन निकली थी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड निकली थी h इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू जी टी का होल स्क्वायर, और थर्ड निकली थी टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी तीन क्वेश्चन निकली थी इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, दी आर द थ्री क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉल्स। ठीक है, अब देखो इन्हें जब हम यूज करेंगे या इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम देखते हैं, देखो पहली बात, व्हेन द बॉडी कमिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो ऐसी कंडीशन में जो उसके अंदर एक्सलेशन पैदा हो रहा है वो बढ़ रहा है, एक्सलेशन विद इन अ बॉडी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जब उस बॉडी के अंदर एक्सलेशन बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि एक्सलेशन इज पॉजिटिव, जब बॉडी डाउनवर्ड आती है तो उसमें एक्सलेशन पॉजिटिव होता है। तो व्हेन द बॉडी कम डाउनवर्ड इट्स acceleration due to gravity, acceleration due to gravity or g is positive, मीन टू से g की जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एंड सेकेंड नीचे जाती है तो पॉजिटिव होगी, और जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होती चली जाती है, तो मीन से उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन बड़ी जो हो रहा है वो नेगेटिव होगा। सेकेंड, अ बॉडी थ्रो अबाउट, एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया तो इट्स जी इज नेगेटिव, कैसी है उसकी वैल्यू ऑफ जी होगी नेगेटिव होगी। रीजन, क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे थ्रो कर रहे हैं, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। कह सकते हैं इफ अ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, एक ऑब्जेक्ट जो सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया then its u become equal to zero, जो u होगा वो क्या होगा, zero होगा। एक height से throw किया गया है उसके u for initial velocity, u क्या है initial velocity, जो उसकी initial velocity होगी वो zero होगी।
तो देख सकते हो, जब हम इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, तो क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, जीरो। फोर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड फेंक दिया गया है, कैसे अपवर्ड फेंका गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड देन वी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो बराबर होगी। अगर ऑब्जेक्ट को एक हाई से थ्रो किया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, तो एक समय के बाद उसकी, जैसे अगर यहाँ पर आकर के देखा, यहाँ पर आकर के इसकी वेलोसिटी कैसी हुई, जीरो हुई, फाइनल वेलोसिटी कैसी हुई, जीरो हुई, और नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, तो ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड देन उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी। फिफ्थ, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो अपवर्ड, टू गो अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर कमिंग डाउन, फॉर कमिंग डाउन। मतलब कि जितना टाइम एक बॉडी को ऊपर जाने के लिए लगता है, जितना टाइम एक बॉडी को ऊपर जाने के लिए लगता है, उतना ही टाइम वो बॉडी नीचे आने को भी लेती है। जैसे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड और उसे 3 सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड लग रहे हैं अब जाने में, तो नीचे आने में भी उसे 3 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, अगर ऊपर जाने में उसे 3 सेकंड्स लग रहे हैं तो नीचे आने में भी उसे 3 सेकंड ही लगेंगे। तो ये हमारे 5 लॉ होते हैं, टर्म होते हैं, जो कि हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। पहला क्या है, तो व्हेन द बॉडी कमिंग डाउनवर्ड, जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड, सेकेंड जो है, अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो उसकी वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव होती है, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू नेगेटिव, जी इक्वल टू नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ जी जो होगी वो नेगेटिव होगी, वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन दैट केस। और अगर बॉडी को ड्रॉप किया गया कुछ हाइट से, एक हाइट से ड्रॉप किया गया बॉडी को, तो उसकी यू जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। और वहीं अगर एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया गया है, एंड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी जो है वो जीरो होगी। जैसे टाइम टेकन बाय द बॉडी, एक बॉडी द्वारा टाइम लिया गया टू गो अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाने के लिए जितना टाइम लिया गया है, नीचे आने के लिए भी वो बॉडी उतना ही टाइम एक्वायर करेगी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या वैल्यू ऑफ जी हर पॉइंट पर सेम होती है, इज वैल्यू ऑफ जी अर्थ की हर पॉइंट पर या अर्थ की हर जगह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ही होती है। तो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ जी एट डिफरेंट पॉइंट
ऑन द अर्थ, अर्थ के अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू ऑफ जी कितना होता है, अब ये देखेंगे राम। ये देखो जरा, ये हमारी क्या है अर्थ, इट इज अर्थ। जो वैल्यू ऑफ जी है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है पहले हमें ये देखना चाहिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। सबसे पहले देखो जी जो होती है डिपेंड करती है, फॉर्मूला हमने निकाला था जी एम आर स्क्वायर, जहां पर जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम जो है मास ऑफ अर्थ से आप एनी अदर बॉडी, और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, ये इस तरीके से हमारी बॉडीज हैं, ये इस तरीके से हमारी चीजें यहां पर हैं। तो जी है, जी कांस्टेंट है, मास कैसा है कांस्टेंट है, जी और जो मास ऑफ द बॉडी है वो भी कांस्टेंट है, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है किस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है रेडियस के, इसके रेडियस के, और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा रेडियस होता है अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ जो होती है परफेक्ट स्पेरिकल नहीं होती, हमारी अर्थ होती है वो ओवल शेप की होती है, वो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं होती, और परफेक्टली स्पेरिकल न होने से रेडियस भी हर जगह सेम नहीं होता, और जब रेडियस सेम नहीं है, रेडियस वेरी कर रहा है तो वैल्यू ऑफ जी वेरी करेगी। तो देखो ये होते हैं इक्वेटर, ये क्या है, इट इज इक्वेटर और इट इज पोल, ठीक है, इट इज इक्वेटर एंड इट इज पोल, और इसे मान के चलते सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या है सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, जो आर है रेडियस जो है, हम क्या देख पा रहे हैं, जो रेडियस जो है अर्थ की जो रेडियस है वो मैक्सिमम किधर है, रेडियस ऑफ अर्थ मैक्सिमम किधर है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अर्थ की जो रेडियस है मैक्सिमम में कैसी है, आर मैक्सिमम है, आर मैक्स रेडियस कैसी है मैक्सिमम है, और वहीं पोल्स में क्या देख रहे हैं, पोल्स पर आर मिनिमम, आर कैसी है मिनिमम है, इक्वेटर पर जो आर है वो मैक्सिमम है और पोल पर मिनिमम है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, एट पोल्स, क्या देखें, एट पोल, जो पोल पर रेडियस कैसा है मिनिमम, रेडियस इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ जी कितना हो गया, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, ठीक है। पोल पर जो रेडियस जो है मिनिमम है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम है, पोल पर रेडियस मिनिमम तो वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम। वहीं सेकंड, एट इक्वेटर, इक्वेटर में क्या देख रहे हैं, इक्वेटर में क्या दिख रहा है,
जो रेडियस है वो मैक्सिमम है, कैसा है, रेडियस मैक्सिमम है, रेडियस रेडियस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, तो रेडियस है वो मैक्सिमम है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, मिनिमम, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। इक्वेटर पर जो रेडियस है वो मैक्सिमम है तो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम होगी। और जो वैल्यू ऑफ जी होती है मैक्सिमम होती है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, कहां पर होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर मैक्सिमम होती है वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होती है। फोर्थ, और जैसे अगर हम बॉडी इनसाइड जाए, इनसाइड द अर्थ, जैसे जैसे बॉडी इनसाइड जाती है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करने लगती है, जैसे जैसे बॉडी इनसाइड जाएगी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, एज द बॉडी मूव इनसाइड वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होती है, जैसे जैसे बॉडी इनसाइड जाती है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करने लग जाती है, और जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो जीरो होती है एट अ सेंटर ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी कहां जीरो होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ पर, वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर वैल्यू ऑफ जी जीरो होती है, नोट डाउन। तो चलो एक बार देखते हैं सब कुछ बताया था हमने, अभी तक हमने क्या बताया था, अभी तक हमने तो बताया कि थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन थी इनके बारे में हमने बताया था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस वन पॉइंट टू जी टी स्क्वायर, और टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो पहले हमने क्या बताया कि इसके बारे में कुछ टर्म जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हारे काम आएंगे, When a body coming downward, जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव होती है, और जब बॉडी ऊपर ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव होती है। अगर हम बॉडी को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो ऐसी कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और वहीं और हम उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर कमिंग डाउनवर्ड, जितना टाइम बॉडी को ऊपर आने में लगा उतना टाइम उसे नीचे जाने में भी लगेगा। उसके बाद हमने बताया वैल्यू ऑफ जी जो होती है हर पॉइंट पर सेम नहीं होती है,
क्योंकि अर्थ का शेप परफेक्ट स्पीयर नहीं होता। तो हमने क्या बताया, वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला जो होता है जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम मास ऑफ द बॉडी होती है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ होती है। तो वैल्यू ऑफ जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ द अर्थ की या रेडियस ऑफ द बॉडी की। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर रेडियस बढ़ा तो वैल्यू ऑफ जी कम होगी, विद इंक्रीज इन रेडियस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। तो हम क्या देखते हैं, तो रेडियस होता है मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, रेडियस मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, तो जी जी इक्वेटर पर मिनिमम होती कैसे होती है, वैल्यू ऑफ जी एट मिनिमम एट इक्वेटर। और वहीं वैल्यू ऑफ जी जो होती है मैक्सिमम होती है पोल्स पे, क्योंकि वहां पर रेडियस मिनिमम है। तो यहां पर वैल्यू ऑफ जी कैसी होगी, जी मैक्स जी होगी मैक्सिमम होगी। उस तरीके से सेंटर ऑफ द अर्थ जो वैल्यू ऑफ जी होगी जी होगी, और सरफेस पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो मैक्सिमम होती है, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारी उस टर्म थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मास एंड वेट। मास एंड मास एंड वेट। पहले चलते हैं मास के ऊपर, किस पे चलते हैं, मास। मास क्या होता है, मास जो होता है डिफाइन किया जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन इट। एक मैटर के अंदर कितना क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस की, उसे हम बोलते हैं मास। मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन इट, प्रेजेंट विद इन इट। जो मास होता है उसको हम डिनोट करते हैं एम से। मास इज डिनोटेड बाई एम, मास को डिनोट किया जाता है एम से। सेकेंड नेक्स्ट, जो एसआई यूनिट मास की वो किलोग्राम होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट जो होती है मास की किलोग्राम होती है, सिंपल में केजी। एसआई यूनिट मास इज इक्वल टू बी किलोग्राम। जो मास होता है वो एक स्केल क्वांटिटी होता है, क्या होता है, हाँ इट इज अ स्केल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केल क्वांटिटी बोलने से मतलब क्या है कि इसे ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, इसे डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती, मास रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली। नेक्स्ट, मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। मास ऑफ किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। मास किसी बॉडी का जो मास होता है कभी जीरो और नेगेटिव
नहीं हो सकता, इट रिमेन पॉजिटिव, इट रिमेन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट, जो मास होता है बॉडी का प्लेस टू प्लेस चेंज भी नहीं होता, मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट विल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। जो मास ऑफ द बॉडी होता है वो हर पॉइंट पर सेम रहता है, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। मास ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो मास ऑफ द बॉडी है प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। चाहे अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 kg का है अर्थ पे, अर्थ पर 3 kg का है, तो मून पर भी वो 3 kg का ही होगा। अर्थ वो चाहे मून, उसका वेट 3 kg ही होगा, न 3 kg से कम न 3 kg से ज्यादा। तो क्या क्या होता है मास के बारे में? मास इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन अ इट। क्वांटिटी ऑफ मैटर एक सब्सटेंस की कितनी प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। मास को डिनोट करते हैं एम से, और जो ऐसा यूनिट होती है मास की वो किलोग्राम होती है, और ये स्केल ऑफ क्वांटिटी होता है, और मास कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। मास कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, इट रिमेन ऑलवेज बी पॉजिटिव। और मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, मास बॉडी का प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। वैसे मास दो तरीके के होते हैं, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, इन्हें तो आगे पढ़ोगे। लेकिन अगला होता है वेट। क्या होता है हमारा वेट? क्या होता है वेट? तो इसे कह सकते इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन attraction with which earth attract every object yeah, everybody, or जो वेट होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड जी, दैट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू मास, या हाँ वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डब्ल्यू वेट को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, मास को एम से, और इसको जी से। तो फॉर्मूला क्या बना? वेट इक्वल्स टू
एन जी, वेट का फॉर्मूला बन जाता है वेट इक्वल्स टू एन जी, वेट बिकम इक्वल्स टू एन जी के बराबर हो गया। हाँ, तो इसे भी लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, इट इज डिनोटेड वाई डब्ल्यू, और वेट ऑफ एन बॉडी इज वेक्टर क्वांटिटी, कैसे क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेट ऑफ द बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट इज इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से दोनों चाहिए होते हैं। उसके बाद ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ऐसा यूनिट होती है वेट की वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है और न्यूटन होती है। नेक्स्ट, जो वेट ऑफ द बॉडी होता है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी वेरी प्लेस टू प्लेस, जो जी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसलिए वेट ऑफ द बॉडी भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वेट ऑफ द बॉडी वेरी प्लेस टू प्लेस, वेरी प्लेस टू प्लेस, हाँ, वेट ऑफ द बॉडी जो होता है वेरी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो वेट होता है वो जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, जीरो होती है, वैल्यू ऑफ जी जो होती है, वैल्यू ऑफ जी सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होती है, तो एम इंटू जीरो वेट बिकम इक्वल टू जीरो, वेट जो होता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होता है। और वहीं जो वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ, तो वेट ऑफ द बॉडी जो कि अर्थ पर है उसके 1/6 होता है वेट ऑन मून पर, ठीक है। और वेट को मेजर करने के लिए डिवाइड करते हैं, इट इज मेजर्ड वाई यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके हम वेट को मेजर करते हैं। हाँ, तो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं, आज क्या किसी का, आज हमने तुम बताया थ्री क्वेश्चन मोशन को सॉल्व करते समय कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का ध्यान रखने के बारे में बताया, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा है तो उसकी वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव होगी, वहीं अगर ऑब्जेक्ट को हम एक हाई से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी यू जीरो होगी, और अगर ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो उसकी वी जीरो होगी, और टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे जाने का जो टाइम होता है वो सेम होता है। उस तरीके से जो वैल्यू ऑफ जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो पोल पे जो रेडियस होता है मिनिमम होता है तो वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर जो रेडियस होता है वो मैक्सिमम होता है तो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम होती है, वैल्यू ऑफ जी जो होती है मैक्सिमम होती है सर्फेस ऑफ अर्थ पे, अर्थ की सर्फेस होती है वहां पे वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होती है, और
जैसे जैसे बॉडी अंदर की तक जाती है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करने लगती है। उसके बाद जो वैल्यू ऑफ जी सेंटर ऑफ द अर्थ पर जीरो के बराबर होती है। उसके बाद मास एंड वेट क्या रहता है, मास जो होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, सबसे कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है उसके अंदर, उसे हम एम से नोट करते हैं, ऐसा यूनिट के जी होती है, और इट इज एन स्केल ऑफ क्वांटिटी। स्केल क्वांटिटी बोलने से मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल से मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है और किसी चीज की रिक्वायरमेंट से नहीं है। और मास ऑफ द बॉडी जो होता है कैन नॉट बी जीरो, मास ऑफ द बॉडी होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और मास ऑफ द बॉडी जो होता है प्लेस टू प्लेस भी वेरी नहीं करता। तो वेट जो होता है डिफाइन किया जा सकता, और भाई वेट क्या होता है, वेट जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, अर्थ या अदर बॉडीज कह सकते हो, वो फोर्स जिसकी मदद से अर्थ जो होती है या अदर बॉडीज होती हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उसे हम वेट कहते हैं। वेट जो होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है, और इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। जो वेट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे मतलब है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा ही न्यूटन होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और वेट जो होती है प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है। और सेंटर ऑफ द अर्थ पर जो वेट ऑफ द बॉडी है वो जीरो के बराबर होता है। और मून पर वेट होता है 1/6 होता है, 1/6 द वेट ऑफ अर्थ। और स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए। नोट डाउन।